डेफिनेटली गोटे लोक भितर आवेरनेस दरकार। आजिकल दिन ग्रीन बिल्डिंग आउ क्या शिखार ना, एवरी ओन नोज कौन ESG कौन, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस कौन। सो एम फोरम आसे आज माइनिंग थे, चेयर चेयरमैन इंडस्ट्री थे, मेटल इंडस्ट्री थे, बिल्डर्स एसोसिएशन थे, एंड कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी थे। यही मैंने जब यही पाँच जन लोक चाहिए ओडिशा कौन इंडिया एवरीवेयर ग्रीन काफ़ी डेवलपमेंट हो पार। आज आम कौन 8 बिलियन स्क्वायर फिट एंड 7200 ग्रीन प्रोजेक्ट हो सारे सर्टिफाइड, क्योंकि दैट इज हार्डली 5%। सो 95 करा पांचटा इंडस्ट्री बॉडी दरकार, माइनिंग एंड मेटल विच इज द लार्जेस्ट जोटा कि ग्रीन को ये कर, एंड बिल्डर्स एसोसिएशन एंड क्रेडाई। सो वी आर ऑल टुगेदर। आज निश्चित भाव में जितेबाला ओडिशा गोटे ग्रोईंग स्टेट पर्टिकुलरली भुवनेश्वर जब देखा आम गोटे ग्रोईंग सिटी जी स्मार्ट सिटी नंबर वन पहुँचापी पूरा काम कर देखिए भाव में मान्यवर मुख्यमंत्री भुवनेश्वर विश्वस्तरीय हाँपाई अनेक कम चली प्रोजेक्ट हाथ में नि कंस्ट्रक्शन कम बहुत चली। तो से टाइप रेतने रोशन रोश कथा कहते निश्चित भाव में गोटे प्लाटफर्म हम आम जो इनफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री रही जो मैंने काम कर समस्त स्टेक होल्डर ये गोटे बहुत बड़ प्लाटफर्म रहा नुआ टेक्नोलोजी जानवे जो अलग अलग कंट्री सब आसी जो मैंने सब जो बेस्ट प्राक्टिस देखिए सीटा और नुआ से यूज करने चेस्टा करेंगे। तो आमर जो स्वप्न रही भुवनेश्वर को गोटे क्लीन भुवनेश्वर ग्रीन भुवनेश्वर करने निश्चित भाव में यहाँ बहुत बड़ सहायक हो समस्त अनुरोध करल अच्छा आमर BDA सहित BMC सहित आमर स्मार्ट सिटी सहित वर्क्स डिपार्टमेंट सहित जो मैंने जो स्टेक होल्डर मैंने इनफ्रास्ट्रक्चर काम कर समस्ते यही कौशल भाग नवा कथा से नुआ टेक्नोलोजी जानवा कथा जो आसूचे सो दैट आम भुवनेश्वर को नुआ टेक्नोलोजी यूज करके बहुत आगक नहीं पार आम भाइब्रांट भुवनेश्वर जो कथा कहते अचिव कर ग्रीन भुवनेश्वर को अचिव कर। देखु ये CII तरफ जो एक्सकन रोड शो कर निश्चित भाव में आम समस्त गोटे पथ प्रदर्शक हम जो मैंने जो स्टेक होल्डर मैंने इनफ्रास्ट्रक्चर काम करल्डर हूँ बा माइनिंग सेक्टर हूँ बा रोड कंस्ट्रक्शन कथा कहतु सब क्षेत्र में से मैंने नुआ टेक्नोलोजी यूज करेंगे नुआ नुआ जो टेक्नोलोजी देखिए कम हो बाहर अनेक पार्टिसिपेंट अच्छा आउटसाइड कंट्री रु तो से जो बेस्ट प्राक्टिसेस फॉलो करें सो दैट आम जिते कहते ग्रीन भुवनेश्वर कथा कहते ग्रीन सिटी जो फोकस जिते दौरान से आम कमी वाटर कंजर्वेशन करवा आम रोड कंस्ट्रक्शन के भल हम बिल्डिंग किभ भाव में या तो सीटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहा किभली भाव में आम खूब शीघ्र करें जो एनवायरनमेंट को किभली भाव में सेव करपर गुरुत्व दिज्व निश्चित भाव में यहाँ गोटे बहुत बड़ा प्लाटफर्म रहा ओडिशा स्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया रे अच्छी यही हम लोग मान इकट्ठा है हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हम लोगों का एक मशीनरी से हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मशीनरी है उसका एग्जीबिशन बेंगलोर में हो रहा है और बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है सब टाइम पे सपोर्ट करता है। ये एक्सकान जो है या अभी आज की डेट में जो 11th एडिशन जो अभी बेंगलोर में होने जा रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और मैं स्पेशली आप सब लोगों को और जो इंडस्ट्री के बहुत से लोग आए थे जो डेलीगेट्स आए थे उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और वहां पे देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जीबिशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीनरी और इक्विपमेंट का वो एटलीस्ट उसको यूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के दिन में किस तरीके का कैसा कैसा मशीनरी आ गया है जो कि हम लोग कभी नहीं देखे हैं अपने उड़ीसा में, या देखे भी होंगे तो उससे बेहतर या अपडेटेड चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे। माइन और मशीनरी का बहुत पुराना संबंध है। मैं आपको बताऊं अगर महाभारत काल में देखें तो मशीनरी का बहुत बड़ा जो जिसके पास जितनी बड़ी मशीनरी उसका उतना बड़ा नाम, उसका उतना बड़ा काम। जब भीष्म पितामह मृत्युशय्या पे पड़े थे
तो उन्होंने कहा कि हमको पानी चाहिए, तो वो अर्जुन था जिनके पास ऐसी मशीनरी थी कि उन्होंने उस बाण को मार के वो पानी निकाल दिया। ऐसी मशीनरी हमारे पुरातन काल में भी थी, वैसी मशीनरी रामायण काल में थी, वैसी मशीनरी वैदिक काल में भी थी। तो हमको ये प्राउड है कि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक इस जो ये शो हो रहा है, ये जो रोड शो हो रहा है और जो एग्जीबिशन हो रहा है, इक्सकॉन 11th एडिशन जो हमारा जो शो हो रहा है, हम लोग उसका एक पार्टनर है और ये हमारा जो रोड शो है सक्सेसफुल रहा, इसके लिए हम सभी डेलीगेट्स का, हमारे जो गेस्ट मैडम मेयर आए थे उनका मैं धन्यवाद दे।